बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का ब्लॉग करते हैं जी शुरू। तो अपनी मक्खियाँ इर्द गिर्द मीठे पे आ पहुंची हैं, देखें दुपट्टा कितना फिट सेट किया हुआ है मेरी काकी ने। वाओ, दूध पीना भी ना बहुत मुश्किल है, बहुत अजीब सा फील होने लग गया दूध पिया तो। यार छोड़ दे, मैं पी लेता हूँ। वाकई एक दफ़ा क्या हुआ, मैं नया नया यूट्यूबर बना था, जलेबियाँ लेके आया जी, दूध रखा, दूध में डाली जलेबियाँ, वीडियो बनानी थी ना आपने उसकी, वीडियो बनानी थी उसकी। दो तीन मिनट हुए होंगे तो फिर नीचे से आई हैं ऊपर, क्या कहो, कहेंगे उनको सुनिया कीड़े। तो जब वो निकल के ऊपर दूध पे आया ना, बाहर से अब जलेबी खाने का दिल ही नहीं करता मेरा, क्योंकि बाहर कोई नहीं पता वो कब का मैदा हो, तो वो कर रहे हो क्या, हो सफाई का क्या हिसाब किताब, और मीठे वाले काम में सफाई इतनी ज्यादा होती नहीं है। तो आप भी थोड़ी एहतियात किया करें अगर बाहर से जलेबियाँ खरीद रहे हैं, तो ऐसे खा रहे हो ना जलेबियाँ तो कोई पता नहीं खा गए हो आप, लेकिन जैसे ही वो भिगोई है ना दूध में तो ऐसे ऊपर कलर मैच हो गया। और अभी तो माशाल्लाह दीवार प्यारी लग रही है, अगर यही एक ही कलर रहता तो इतनी प्यारी नहीं लगनी थी, माशाल्लाह जबरदस्त हो गया जी। ये दूसरी साइड है, तो यहाँ पे हमारे जो भाई लगे हुए हैं उन्होंने सफाई कर दी है, दूसरी तरफ मैंने की थी, इधर इन्होंने आज कर दी है। वाह, कितनी देर लगी है? सर मेरे तकरीबन आधा घंटा लगा। आधा घंटे से? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कल्ला हाँ, जरा घंटा डेढ़ ला खड़ा। चलो कोई गल नहीं, खैर दीवार ते चेक ही करदे हाथ मार के जनाबे वाले। किस तरह का चेक करना? हाथ मारे ऐसा मुलायम। हाँ जी मुलायम, चेक करो जरा। हाँ मुलायम हुई है पूरी, अभी इसके ऊपर सिलिंग लगेगी तो इससे ज्यादा भी मुलायम हो जाएगी। ठीक हो गया जी, अभी दो फिर ये लगा के हम चेक करेंगे ना। चेक करेंगे इंशाल्लाह, हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं सर। ये कलर ना सेलेक्ट होने का नाम ही नहीं ले रहे, कुछ दिन पहले हो गए थे, अभी फिर आके वो इधर उधर हो गए। मैं दसा चाह रहे हैं कि पूरे कमरे में दो कलर ना हो, उससे ज्यादा हो पूरे कमरे में। शालाला मचा दो। ये डिसाइड हुआ, ये डिसाइड हुआ, ठीक है 85-70। इन पे कौन सा हुआ है? 85-62 ash white। इसके काम आप चेक करना, ये देखा दांत। ओए, उसने देखा लेकिन बाज नहीं आ रहा। बाहर वेखो मुंडा व्हीलिंग करता पे, ओ वेखो, ओ वेखी मरीना कि पता नहीं कितों का पिंड। आजकल दिन कुछ ऐसे चल रहे हैं, ना ज़्यादा सर्दी होती है ना गर्मी, और थोड़ी देर के लिए भी कहीं बैठ जाओ या लेट जाओ और फ़ोन यूज़ करने लग जाओ तो नींद आना शुरू हो जाती है। तो अभी मेरे साथ भी सेम हुआ, मैं नए घर था, नए घर से यहाँ आया, बेड पे लेटा, फ़ोन यूज़ करने लग गया और मुझे नींद आना शुरू हो गई। तो कुछ दिन पहले ना मुझे सिस्टर ने बताया था कि तुम्हारी पुरानी फ़ोटोज़ मिली हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। ये देखें हैंडसम बॉय, स्माइल चेक कर रहे हैं, बाकी और भी फोटोज़ आपको दिखाता हूं, लेकिन नए घर जाके भाई मुदस्सर की भी फ़ोटोज़ हैं, तो इकट्ठे रिएक्ट करते हैं मैं और भाई मुदस्सर, आपको दिखाते हैं। ये सारी फ़ोटोज़ नहीं हैं, बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ हैं, लेकिन वो सिस्टर के यहाँ पड़ी हुई हैं, तो अगर मेरा चक्कर वहाँ लगा तो मैं ले के आऊँगा और वो भी आपको दिखाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल जितनी भी हैं अपने पास वो दिखाता हूँ, लेकिन उसके लिए नए घर जाना होगा, तो चलिए चलते हैं। ये दिखाएं, ये तो देखते रहते हैं अपने सब्सक्राइबर्स, कमाल। अच्छा अच्छा सिलेक्ट हो गया कलर। इंटरव्यू हो रहा है, हाय हाय, फोटोज अपनी फोटोज में लेके आए। अच्छा रिएक्शन करना है। हाँ ये देख, आपकी आपकी निकालूं। हाय 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 हाय, तब मैं सागर स्पोर्ट्स में काम करता था। एक्शन, हमारे पास वो क्लिप नहीं है तो हमें ऐसे ही बस आवाज मैच करनी पड़ती है अगर दो कैमरे लगा रहे हैं तो। ये तस्वीर तब मैं काम करता था सागर स्पोर्ट्स में। ए, उम्र क्या होगी आपकी? उम्र होगी 17-18 साल। 17-18 साल,
आप मुझसे, मैं 17-18 साल का इतना बड़ा जवान नहीं लगता था जितने आप लग रहे हो, मैं तो बच्चा बच्चा लगता था। असल में मैं काम पे लग गए थे ना, जिम्मेदारियां। आप मुझे पता किस पे लगे हैं, आप मुझे पता किस पे लगे हैं, सिस्टर के छोटे बड़े बेटे पे। हज़ैफ़ा कासम, हज़ैफ़ा कासम, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। गोदी में सिस्टर की बेटी बेटी है यार, ये तस्वीर गोल्डन तस्वीर है। मैं कहता था मैं क्लूटना सा ऐसा सा ही होता था, जो सरसों का तेल सर में लगाता था ना, वो ही चेहरे पे लगा लिया करता था। ये तब की बात है। माशाल्लाह, ये भाई बशर की फोटो है, एडिट मैंने की है। जिस्म मतलब जिस्म अपना नहीं है, मुंह अपना है। मैं अब की बात नहीं है कि यूट्यूब शुरू किया, ये समझ लें यूट्यूब हमने बरसों की शुरू की हुई थी, तब फोटो अडोब फोटोशॉप में काम करना, आफ्टर इफेक्ट को उसे के साथ पंगे लेना। ये फेसबुक आप मेरी देखें, मेरी बड़ी बड़ी पुरानी वीडियोस पड़ी हुई हैं उस पे। ये फोटो है जिसदैन भाई की पहली सालगिरह। वालेकुम चश्मे लड़के, चश्मे बद्दूर। और ये हमारा पुराना घर था, वहाँ पे हमने बहुत सारे पौधे लगाए। बाकी फैमिली की फोटो है वो तो एडिटिंग में मैं निकाल दूंगा। ये जो गोदी में जिन्होंने उठाया उनको हम अम्मा जी कहते हैं, अभी वो सियालकोट शिफ्ट हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत सारी यादें हैं उनके साथ, उनकी गोदी में मैं हूँ और सिस्टर की बेटियाँ, और हमारा पहला बर्थडे है। सिस्टर की बेटी जो है मुझसे कोई 2-3 महीने, हाँ दो तीन महीने बड़ी थी, लेकिन बर्थडे जो है पहली हमने इकट्ठे ही सेलिब्रेट की थी। आ गया, ओहो मारने का दिल चाहता मैं सुन के चाह। हमारे घर कैमरा कब से है? ये कैमरा जो है ना रील वाला कैमरा है, कोडेक का था मेरे ख्याल से ना, तो वो हमने बहुत इस्तेमाल किया है, तो ये उसमें रील डलती थी, फिर वो डेवलप करवानी पड़ती थी सियालकोट से, और ये कंपनी कोडेक की रील डली हुई है, तो प्यारे लगते हो यार। मेरी ये चीक्स जो है ना बहुत बड़ी बड़ी होती है, तो जो भी मतलब बड़ा होता था वो ऐसे खींचता था, उसे बहुत मजा आता था ये चीक्स खींचने का। कैसे कसम से, ये 14 अगस्त की है, साथ मेरे ताजान के बेटे का बेटा यानी अकबर, जो आपने गेस करना है वो कौन सा है, लेकिन थोड़े से मैच कर रहे हैं आपस में, लेकिन स्माइल लड़के की कमाल थी। कान जैन के शुरू से मशहूर हैं, एक कान थोड़ा साइड, हाँ मेरे कान ना थोड़ा सा है फर्क, एक लगा अभी तो फील नहीं होता नहीं। लेकिन एक कान थोड़ा सा अंदर को है, थोड़ा सा बाहर को है, लेकिन सिस्टर इसको छेड़ा करती थी जैन को। हाँ हाँ, माशाल्लाह ये स्टेप बाय स्टेप बड़े होते जा रहे हो। हाँ अरे वाह, ये स्कूल की, हाँ ये सिस्टर की बेटी, ये हमारा ड्राइंग रूम, क्या मैचिंग की हुई थी उस वक्त में अम्मी जान। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। ओह ये फिर वही की तस्वीर, ऐसे मेरा मुंह खुला हुआ, ये दांत नजर आ रहे हैं, दांत तो अपने फेमस दांत हैं। अच्छा ये छोटी बच्ची कौन है? ये आयशा, आयशा तू का। हाँ मैं सुन के किस उनको दिखाई है ये। ओह यार अम्मी जान की गोदी में बैठा हूँ, लेकिन अम्मी जान की फोटो क्रॉप कर दूंगा। अम्मी जान में कितना चेंज आया यार, अम्मी जान चेंज हो गई हैं। अभी अम्मी जान हमारी बहुत ब्यूटीफुल है, मैं तो अम्मी जान को कह रहा था कि अम्मी जी आप ही ये। और ये जितने खेत है ना, अबू जान जॉब किया करते थे ड्राइविंग की, सही है, तो वो हफ्ते बाद ही आते थे, बाकी ये जितना काम था और घर में जानवर रखे हुए थे वो सारा काम हम स्कूल चला जाया करते थे, तो सारा अम्मी जान नहीं करना हुआ मतलब करते थे, वो चारा लाना क्या सब कुछ करना, सही है। और यहाँ तक कि अब तो ये गंदम, हाँ गंदम की फसल लगी हुई है, जब कटाई की बारी आती थी, अब मशीनें आ गई हैं, थ्रेशर कोई लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो तब ऐसा कुछ नहीं था, तब हाथ से ही कटाई होती थी। तो अम्मी जान मुझे याद है, अम्मी जान मुझे कहा करती, मैं ज़्यादा अम्मी जान के पास रहा हूँ, तो अम्मी जान और मैं जब जाया करते थे, तो अम्मी जान मुझे धूप होनी तो अम्मी जान ने कह के ये भेज देना, बेटा बहुत गर्मी है तुम जाओ, मैंने कहा नहीं आप भी मेरे साथ चलें तो फिर मैं जाऊँगा, तो वो कहते हैं आप चले मैं बस आपके पीछे आई, तो सारा सारा दिन वो काम किया करती, बहुत बहुत मेहनत की। हमारे ख़ानदान में मतलब हमारे रिश्तेदार, हमारे ख़ानदान में कोई फैमिली पढ़ी लिखी नहीं है, तो अम्मी जान की पूरी कोशिश थी कि मेरे जितने भी बच्चे हैं ना सारे पढ़े लिखे हों, और अम्मी जान का ये ख्वाब पूरा हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। ओहो हमारे बड़े भाई, ये भाई मुबशर हैं, भाई मुबशर शुरू से ही बहुत अच्छे रहे हैं,
इनकी बात अभी तक किसी ने नहीं बताई, किसी ने नहीं की। इन्होंने एक छोटी सी गांव में तंजीम बनाई थी, इत्तफाक बराए स्टूडेंट, सही हो गया। उसका काम था कि बच्चों को वो इस टाइम यानी पिछले टाइम, दिन के पिछले टाइम ट्यूशन पढ़ाया करते थे। एक हवेली थी उन्होंने ना, वो कज़न वज़न की थी, वो हवेली साफ करवाई हुई थी, वहाँ पे वो ट्यूशन स्कूल का पढ़ाया करते थे फ्री में बच्चों को, और सुबह जो है वो कुरान पाक का फ्री में पढ़ाया करते थे। भाई मशर की और भी बहुत सी फोटोज हैं, वो मैं लेके नहीं आया, जब मलेशिया थे ना ये तो मतलब बहुत बहुत सलवार कमीज में तो बहुत प्यारे लगते हैं, अगर आप पेंट शर्ट में उनको देख लो ना तो कमाल। ये फ़ख्र है हमें जैन का, मतलब जैन के हम भाई हैं, हमें ये फ़ख्र है कि हम भाई हैं। पहले मैंने आइडिया दिया था कि ये कलर पूरे रूम में करवाएंगे हम कंप्यूटर वाले रूम में, और ये चीज जो है ना छोड़ देंगे, पूरा ग्रे रहेगा लेकिन ये थोड़ा छोड़ देंगे, और मैंने आई थिंक ब्लैक कहा था, मैट ब्लैक आई थिंक, मुझे याद नहीं है। अभी ये ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, अगर हो जब हो गया तो मैं कह रहा हूँ कि ये पूरा पूरा हो, ये जगह ना छूटे, पूरा मैच हो, इसलिए फिर अभी हाँ जी ऐसे ऐसे कह रहा ये चीज। अभी हम ठेकेदार वैसे काम नहीं करता यार, ठेकेदार काम क्यों कर रहा है? अरे सर, एक दो तीन ये ठेकेदार है और ये आगे भाई काम कर रहे हैं, भाई फारक और ठेकेदार हमारे काम कर रहे हैं, वाह। एक हाथ में जूस है, एक हाथ में रूल है, और एक हाथ में कोक का ग्लास है, वाह जी वाह, लेवल है। और यहाँ ठेकेदारी हो रही है। तन भाई दीवार जड़ी है, दीवार च मलैमी आ रही है, ठीक है, ठेकेदारी नहीं हो रही। तो फिर उलम मार के देखिया तो मजा नहीं आया, मजा आया दूजे को लगेगा तो फिर परफेक्ट मजा आया। भाई नजर ये बैकग्राउंड बहुत ही खूबसूरत लगने वाला, नजर बढ़ा जाए ना मसाला था। ये बात मेरे दिमाग में खटक रही थी कि ये जो है ना कोना, ये कॉर्नर जो है ये भी सेम ऐसे हो जाए जैसे ये है, ऐसे खाली ना रहे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम अबू जी, की हाल है काका, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र, तू ही सुना। ओए किधर आए नी, ए कौन ने भला? एक तो कशफ है, दूसरा कौन है? जैन। अच्छा अबू जी, तो जैन एक सवाल है, कैमरा तू ही लेके आए हो? जरा साढ़े घर कैमरा होता रहा पहले। हाँ कंप्यूटर दा, कंप्यूटर दा, कंप्यूटर वाला नहीं है, फोटो खिंचने वाला कैमरा, इस तरह नहीं होता ही, लेकिन वो रील पैंदी। हाँ रील पैंदी। तू ही लेके आए हो? हाँ। केड़ी सांच? शानदार दा नहीं पता रहा, दा चेता नहीं रहा। 1900 च गया आया दा? हाँ 1900 च आया, यानी मेरे तो पहले पहले दा आया। पहले दा कि थले आई तुम्हें भला कोई याद? लोरू। ਲੋਰੂ ਸਸਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ? ਉਦੋਂ ਪਏ ਉਹ ਦੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਕੈਮਰਾ ਸੀ। ਹੈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਕੈਮਰਾ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਕੈਮਰਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਹਿਲੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ? ਹਾਂ। ਅਬੂ ਜਾਨ ਨੇ ਹਮਾਰੀ ਸਾਰੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਕੈਮਰਾ ਅਬੂ ਜਾਨ ਨੇ ਹਮਾਰੇ ਘਰ ਮੇ ਖਰੀਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਤੋਂ ਅਭੀ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਵੀ, ਜਿਸ ਸੇ ਹਮ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕੀਆ ਕਰਤੇ ਥੇ 2005-06-07 में मलेशिया भाई मुबशर के साथ, वीडियो कॉल यहाँ पे रहते हुए उस दौर में सबसे पहले हमारे घर वाईफाई का कनेक्शन लगा था, पीडीसीएल का कनेक्शन लगा था। तो बैठे थे हाँ गल करते पे हम मुबशर नाल, वो मलेशिया बैठा था ही, चाह शाह खाना शाना खाता पाया, असं इतने बैठे थे बैठक के बच्चे खाने, तो मुबशर ने आख्या वो भा नू तो बुलाओ मेरे नू, वो बच्चा गया है भा मुबशर आया था बैठ के, बैठ के मुबशर आया था बुलांदा पाया, वो बच्चा इन्नी गल करके तो नठ गया, नठाया पिछा नू, वो नवी चीज दे तकदे पे हम, उत्थे बच्चा खड़ोता ही नहीं, ऐनी गल भा मुबशर बैठ के आया बुलांदा पाया, भा परेशान हो गया, मलेशिया बैठा था, वह मलेशिया बैठा था, बैठ के बैठ के कितने आया था? वो कोलों अल्लाह जनन सी करे माई नदीर सी, उन्हें आया वो उठ हाँ बंदा रब दिया, चल दोए के चलने
दरवाजे तो अंदर अगो की पा सलाम वाकई मैं कुछ और सोची बैठा था उस दौर में वीडियो कॉल पे बात करना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तब मोबाइल भी नहीं थे तो अगर आपने किसी को कॉल करनी है पाकिस्तान में पीसीओ पे जाना पड़ता था। ₹50 लंदा सी सुना देन दे के तुहाडे पुत्र दी बारों कॉल आई है ते आके फलाने वजह सुन ले। जी जी सही हो गया। पैगाम आता था कि आपके बेटे की इस टाइम ऐही हुंदा ही ने न्याने वजह ते इस डेट ते कॉल आएगी ते आके सुन लियो। सही हो गया। वक्त कैसे चेंज हो गया। ₹50 लंदा सी या 100 लंदा सी। अभी फ्यूचर में क्या होगा सोच के दिमाग ना काम करना छोड़ देता है। अभी वॉलीबॉल खेल रहे थे और पसीना आप देख रहे हैं बहुत दिनों के बाद ऐसे पसीना निकला है। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। जनाला अभी दिन को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़। चला आंदे